हैं, एक एक करके नंबर आता है सबका, एक ही पंथ के एक ही गुरु के चेले हैं, लेकिन एक सत्संग करके जैसे ही उतरता है दूसरा टांग खींचता है उसकी कि ये अज्ञानी ये क्या बोल के चला गया। फिर वो उतरता है तो उसकी टांग फिर तीसरा खींचता है कि ये महाज्ञानी ये क्या बोल के चला गया। जाके देखो एक बार, तब समझ में आएगा कि कबीर साहब ने पहले ही क्यों ग्रंथों में ये सब बोल दिया था। सारा खुलासा कर रखा उन्होंने भविष्य का कि क्या क्या होगा इस पंथ में। तब क्या बोला कि जब ये सब मिलावट हो जाएगी इस पंथ में, दुनिया भर की मिलावट, तब बोला कि चौथी गद्दी होई अवतारा और डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठ बे आई और वासे पार कोई नहीं पाई। अगर मदन पंथ में सही ज्ञान चल रहा होता तो फिर चौथी गद्दी में आने का मतलब ही क्या है, फिर क्या जरूरत पड़ गई, फिर क्यों कबीर सागर में लिखा है अभी सारे गुरु अगर ठीक हैं कबीर पंथ के और कबीर सागर लिखने वाला पंथ भी जो है वो ठीक है तो क्यों लिखा है 13वें पंथ हम ही चले आएं, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। अगर तुम लोग ठीक चल रहे हो तो 13वें पंथ में आने की क्या जरूरत है उनको। अगर तुम्हारे सारे वंश जितने हैं ठीक चल रहे हैं तो फिर क्यों कहते हो कि एक पुरुष आएगा अभी, ये सब महात्मा कहते हैं। नागौर में कुड़ची गांव में एक महात्मा थे वंश 42 के, उन्होंने तो अपना वो भी काट दिया था काम से बचने के लिए। गांव है कुर्ची, आप जाओ कुर्ची में, आप वहां पे आश्रम बना हुआ है और वहां के लोगों से पूछो कि वो महात्मा क्या कहते थे। ऐसा महात्मा मैंने जीवन में नहीं देखा जो अपने ही चेले को शरयाम कहता था, अपने ही चेलों को कहता था भाई तुम सत्संगी तो बन गए हो, तुमने नाम भी हमसे ले लिया है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति देने वाला किसी गांव में आएगा। ये बोला वहां पे उन्होंने, और उनका नंबर भी मैं नीचे दे दूंगा, किसी को शक हो उसकी फोटो भी मंगा ले महात्मा जी की और रिकॉर्डिंग भी कर ले उन लोगों की, पूरा गांव हिला पड़ा है क्योंकि वो अपने मुख से बोल के गया है, वो अपने मुंह से ये बोल के गया है कि कोई आएगा और वो ऐसा जगाएगा कि उसके बाद कोई सो नहीं पाएगा। तो भाई कोई ये ना सोचे कि ये अभी हो रहा है, ये सब पहले से निर्धारित है, हर चीज पहले से निर्धारित है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। हम समझते हैं कि सब एक से ही हैं, सबको एक ही तराजू में तोल लेते हैं। मेरी आवाज और वीडियो सही चल रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज और वीडियो सही चल रही है? ओके, तो राजस्थान में कुर्ची में उस महात्मा ने अपने सैकड़ों चेलों के आगे बिल्कुल शरेआम बोल दिया कि हमारे पंथ में आकर हमारे गुरुओं से भी नाम लेके, हमसे भी नाम लेके आपकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति नहीं होगी। तो
तो वो लोग भी हैरान होते हैं कि बताओ जो हमारे गुरु ने हमें बोला था वही चीज हमारे प्रत्यक्ष है। और ये ऐसा ज्ञान है कि उस पंथ के महात्मा मुंह छुपाते फिरते हैं। जब हमारे शिष्य दो सवाल रख देते हैं उनके आगे, उनके पास जवाब नहीं होता और क्या कहते फिरते हैं वो लोग कि नितिन दास आया हुआ है गांव में, बाहर मत निकलना, जादू कर देगा तुम्हारे ऊपर, जादूगर बना दिया इन लोगों ने। जादूगर बाबा बना दिया इन लोगों ने कि बाहर मत निकलना, अगर उसने देख लिया तो उसकी आंखों में इतना नशा है कि तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे। गजब के बाबा लोग हैं ये। ये नहीं कह रहे हैं कि जाओ ज्ञान चर्चा करो, हमसे क्या सीखा है वहां पर रखो और नितिन दास को हमारा शिष्य बना के लेके आओ। ऐसा कोई गुरु नहीं कह रहा, सारे गुरु कह रहे हैं नितिन दास का सत्संग मत सुन लेना, नाम खंड हो जाएगा। अरे भाई नाम नहीं, तुम्हारा पंथ खंड हो जाएगा, तुम्हारा पूरा पंथ खंड हो जाएगा जिसने हमारे सत्संग सुन लिए, क्योंकि तुम काल का पंथ चला रहे हो। तुम्हारा पंथ ही खंड करने आया हूं मैं यहां पे। सब पंथों को एक करने आए हैं और एक करके रहेंगे, चाहे आज हो जाओ चाहे कल हो जाना, होना तो पड़ेगा। और तुम कह रहे हो सत्संग मत सुनो, सत्संग तो सुनने पड़ेंगे, अभी तो बीज बोया जा रहा है, अभी तो बीज बोया जा रहा है, जब ये फसल उगेगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। अभी तो कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हो कि बिल्ली आई है, मैंने आंखें बंद कर ली, अंधेरा हो गया, आप बिल्ली मुझे नहीं देख सकती, रुक जाओ लग जाएगा पता। चलो कोई बात नहीं, सबको परमात्मा मौका देता है, इन गुरुआ लोगों को भी दे रखा है मौका कि समय है सुधर जाओ, परमात्मा बनने की कोशिश मत करो, जो परमात्मा है उसको परमात्मा रहने दो। अरे कबीर साहब आके चले गए यहां से, उन्होंने कभी ना कहा मैं परमात्मा हूं, वो अपने आप को क्या क्या बोल के चले गए, कबीर कुकर राम का मोतिया मेरा नाव, और गले प्रेम की जेवड़ी जित खींचो तित जाऊं, उन्होंने कुकर तक बोल लिया अपने आप को। और आज तुम किसी गुरु को कुकर कह दो तो प्रेशर कुकर बन जाएगा उसके अंदर। यानी ज्वालामुखी फट जाएगा, प्रेशर कुकर ज्वालामुखी की तरह होता है, नीचे से आग लगी होती है, ऊपर से सीटी बज रही होती है, तो ये हाल हो जाएगा। लेकिन जो बावन अक्षरों को पार कर चुका है, जो बावन से आगे बढ़ चुका है, तुम उसको विचलित नहीं कर सकते। वो केवल एक ही चीज में विचलित होता है, जो वो काम करने आया है उस काम में कोई रुकावट डाले तो। हालांकि रुकावट तो कोई डाल ही नहीं सकता, लेकिन भोले जीवों को कोई फंसाए, जिन एक एक जीवों को हम इस काल जाल से छुड़वा रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई जाल डालने की कोशिश करे तब तो भाई डायरेक्ट पंगा है, और ज्ञान अज्ञान का पंगा है, फिर तो परमाणु बम आएगा। जिसको बोला है और कबीर ज्ञान सो ज्ञान है, तो वो वाला ज्ञान आएगा, और बाकी क्या है ज्ञानड़ी। तो अगला सवाल